म्यूजिक अब आएगा मजा। तो हे गाइस इट्स मी संजय, वेलकम बैक टू एस्कमिक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस तरह का एक स्टेटस वीडियो, या तो दोस्तों मैंने प्रीव्यू में जो आप लोगों को वीडियो दिखाया उस तरह का वीडियो कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना सिखाएंगे। एंड गाइज आप लोग अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे दोस्तों क्या होगा, आप लोग आने वाले वीडियोज देख पाओगे, नहीं तो कैसे देख पाओगे अगर सब्सक्राइब ही नहीं करोगे। तो इसलिए गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो गाइस इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पर नीचे जो प्लस का आइकन है इस पर टच करें। टच करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर टच करें, देखिए यहाँ पर कांची का करके जो ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर टच करें। टच करने के बाद एक वीडियो फर्स्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो गाइज ये वीडियो है इसे सिलेक्ट करें, इसके बाद यहाँ पर टच करने के बाद इसे ऐड कर लीजिए, ठीक है गाइज। ऐड करने के बाद दोस्तों इस वीडियो पर टच करें, देखिए ये जो वीडियो है इस वीडियो पर टच करें। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम करके मिलेगा, देखिए एक तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्लाइड करें, यहाँ पर वॉल्यूम है इसको आप लोग इस तरह से डिक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों इसको साउंड को म्यूट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक इस तरह का जो वाटरमार्क रहता है इसे डिलीट कर लीजिएगा। करने के बाद आप लोग यहाँ पर ऐड टू टैप म्यूजिक ऊपर वाला जो सेक्शन है इस पर टच करें। टच करने के बाद म्यूजिक पे टच करें, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है इस पर टच करें। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वीडियो पर टच करें, एंड दोस्तों वो वीडियो जो अभी आप लोगों ने सिलेक्ट किया उस वीडियो को फिर से यहाँ पर ओके पर टच करें। टच करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो सॉन्ग है मैंने पहले एक्सट्रैक्ट करके रखा है, ये सॉन्ग है तो आप लोगों को चूज़ करना है। तो देखिए इस तरह से चूज़ करें, उसके बाद यहाँ पर ओके पर टच करें। तो देखिए ऑडियो भी यहाँ पर आ चुका है। अब गाइज आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पर जब ये ब्लैक स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है, देखिए इस जगह पर ब्लैक स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक कट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए स्प्लिट है, स्प्लिट करें एंड इधर का जो वीडियो है इसे डिलीट कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को प्लस का आइकन पर टच करना है, यहाँ पर दोस्तों वीडियो एंड फोटो पर टच करना है, एंड यहाँ पर फोटो पर टच करें ऊपर में। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर भी आपको फोटो है वहाँ से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर 12 पिक्चर्स सेलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पर मैं 12 पिक्चर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह से आप लोग पिक्चर्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 पिक्चर्स सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर और दो पिक्चर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 12 पिक्चर्स सेलेक्ट कर लिया है। अब गाइस आप लोगों को ध्यान से देखना है, बीट के अकॉर्डिंग कट करना है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आइए, ये वीडियो के बाद ये जो फर्स्ट वाला फोटो है इसे आप लोगों को 0.80 पर करें। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग दिखा रहा है, तो गाइज आप लोगों को इसे 0.80 तो करें। तो देखिए यहाँ पर ये 0.80 हो गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पिक्चर है इसे आप लोगों को 0.70 करना है, तो इस तरह से देखिए 70 करें। उसके बाद जो देखिए ये जो फोटो है ये तीन फोटो को आप लोग छोटे छोटे करना है, इस तरह से करना है, देखिए इस तरह से आप लोग छोटे छोटे तीन बार कर लीजिए तीन फोटो को। तो गाइस देखिए यहाँ पर इस तरह से होगा। उसके बाद दोस्तों फिर तीन पिक्चर को आप लोगों को 0.70 कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर 0.70 से कर लेता हूँ, इस पिक्चर को भी आप लोगों को 0.70 करना है। तो देखिए यहाँ पर 0.70 मैंने कर लिया, उसके बाद इस पिक्चर को भी आप लोगों को 0.70 करना है, ठीक है गाइस। उसके बाद दोस्तों ये जो पिक्चर है इसे आप लोग क्या करेगा, इस तरह से छोटा करें, तीन पिक्चर और सेम प्रोसेस से छोटा करके कर लीजिएगा आप लोग इस तरह से, देखिए तो इस तरह से करें। उसके बाद दोस्तों ये जो लास्ट पिक्चर है ये आप लोगों को लास्ट तक रहने देना है, ठीक है। तो जो बीट के अकॉर्डिंग कट हो चुका है, देखिए फर्स्ट पिक्चर को आप लोगों को 0.80, उसके बाद के पिक्चर को 0.70, उसके बाद तीन छोटे छोटे पिक्चर, उसके बाद 0.70, 0.70, 0.70, उसके बाद तीन छोटे पिक्चर, उसके बाद 0.80, या तो दोस्तों लास्ट में जितना तक हो रहा है उतना तक। तो देखिए बीट के अकॉर्डिंग कट हो चुका है। अब गाइस आप लोग इस पिक्चर पर टच करना है, यहाँ पर जो इफेक्ट्स करके मिलेगा इस पर टच करें। टच करने में देखिए यहाँ पर बहुत सारा इफेक्ट मिल जाता है, तो आप लोग कोई सा भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, देखिए ये वाला इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो जो आप लोगों को सही लगे और वो आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ये वाला इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई टू ऑल, अगर आप लोग सब में ये अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लीजिएगा। या तो दोस्तों आप लोग जो यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर इसे अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर इफेक्ट पर टच करें। टच करने के बाद कोई सा भी इफेक्ट, देखिए ये इफेक्ट अगर देना चाहते हो तो इस तरह से ऐड कर लीजिए। तो गाइस देखिए ये जो वीडियो है बनकर रेडी हो चुका है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा वीडियो था। तो यहाँ पर मैं प्ले करके दिखाता हूँ कैसा हुआ है। अब आएगा मजा।
तो गाइस देखिए बहुत ही ट्रेंडिंग स्टेटस पर रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी बहुत ही आसान से बना सकते हो अगर अगर इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते हो। तो गाइस आज का वीडियो जब तक अगर पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए गाइस इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।